Yes. Thank you. Thank you. Yes. Hi, मैं हिना पंचाल और विनोबा वाला खुशनामा मेरा कैरेक्टर है एक परफॉर्मर का एंड मैंने इसमें स्पेशल अपीयरेंस गाना किया है. मैडम आप मेरा नाम ममता आचार्य है. हाय माय नेम इज मौसम शर्मा और मैंने इसमें अमन कुसामा का कैरेक्टर किया है क्योंकि इस मूवी का मेन किरदार है. तो और ये किरदार कुछ ऐसा है कि इसको नाना पाटेकर की मूवीज़ देखते बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से. तो होता क्या है कि मूवीज़ देखते देखते कि वो जब भी इमोशनली हर्ट होता है तो उसमें नाना पाटेकर की आत्मा आ जाती है और वहीं से ही जो कॉमिक चीज़ें हैं वो क्रिएट होती हैं. सब चीज़ें खराब हो जाती हैं. मेरा मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर है जिसको क्रिश्चियन लड़के से प्यार हो जाता है. तो वही स्टोरी हम लोग की दिखाते हैं. अच्छा ओके. बस आपने फिर ट्रेलर देखा? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ उसको देख के. अभी मुझे बस उसके रिलीजिंग का वेट है और हम लोग प्रमोशन के लिए भी जाने वाले हैं शायद दिल्ली, तो उसका भी वेट है. रिस्पांस की बात करें तो कैसा रहा पब्लिक का रिस्पांस? लोग फिल्म के नाम से ही दो बार पूछते हैं क्या नाम है क्या नाम. हम लोग को फिल्म नाम ही बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग नेम है तो वही बहुत अच्छी बात है. तो नाम ही इंटरेस्टिंग है तो फिल्म तो और ज़्यादा. धमाल मचा दिया है ताकि आप लोगों ने अभी मेरा गाना देखा. दो गाने बकायदा मैंने इस मूवी में किए हैं. एक पार्टी सॉन्ग है और एक और पार्टी सॉन्ग है जो बट एक आइटम की तरह पेश किया गया है आपके सामने. उसमें मेरा मूव्स वगैरह ये सभी लोगों को पता है कि आई हैव डन लॉट ऑफ आइटम नंबर्स, बट हिंदी में ये बहुत हाइप होगा बिकॉज द मूवी का जो नाम है व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा वो इतना हाइप हो चुका है बिकॉज इट्स अ समथिंग रिलेटेड. इट्स वेरी नाइस टू स्पीक एंड हियर अबाउट it. So I'm sure that people will be more excited and I am very excited about this movie and this song because ye meri hindi ki first second movie hogi. First jo itni khas nahi thi but this is gonna be a full fleshed one so I'm more excited about it. ab sare expectation isi film se hai. ab iske baad jo hoga wo next matlab bollywood mein isi se hi entry hai to बहुत सारी होते हैं. अब देखिए बहुत ज़्यादा होप्स हैं सर कि सेकंड फिल्म है और मेन एज अ मेन लीड है तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इन कंधों पे और बहुत मेहनत लगती है सर एक फिल्म बनाने में. तो हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी है, पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. तो बस यही चाहते हैं कि दुआ करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छा करे. और जैसे सबने बोला कि व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा इससे कॉमेडी फिल्म और आजकल कॉमेडी फिल्में बहुत ज़्यादा कम आ रही है, बहुत कम आ रही है. अब मैं नेक्स्ट मूवी कर रही हूँ जो कि मैं ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ और हमने मुहूर्त भी उसका किया है अलीगढ़ में. सो इट इज़ बेस्ड ऑन अपराजिता करके मूवी का द टाइटल इज अपराजिता एंड आई एम प्लेइंग द मेन लीड इन दैट मूवी. सो वेरी सून आई विल बी ऑन फ्लोर एंड उसको अपडेट्स आपको मैं बाद में दूंगी नेक्स्ट टाइम जब हम मुहूर्त पे और शूटिंग पे मिलेंगे. एक्चुअली मेरा नाम अमन ओसामा है और जिससे मेरे को मोहब्बत होती है उनका नाम है मैगी ओबामा. तो मैं मुस्लिम हूँ और वो क्रिश्चियन है. तो मेन मैसेज मूवी में यही है कि मोहब्बत में कोई जात धर्म कुछ नहीं होता है. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती हैं कि यार लड़का मुस्लिम है और इसका सरनेम ओसामा है. तो पहले तो जब मेरी इसे डैड से मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं कि आपका सरनेम क्या है. नाम ही बताने में हिचकिचा रहा होता हूँ कि यार अगर मैंने नाम बता दिया मेरा नाम अमन ओसामा है तो वो क्या रिएक्ट करेंगे. लड़की तो हाथ से जाएगी जाएगी, मार भी पड़ेगी. सो बहुत ज़्यादा सिचुएशनल कॉमेडी है कि कैसे छोटी छोटी जो सिचुएशंस मूवीज़ में आती हैं कि सिर्फ नाम की वजह से. तो
प्यार करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? अरे सर, बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहले तो मेरा शहर छूट गया जी, और दूसरा कि मेरा एक मेरे जो मूवी में मेरा कैरेक्टर है वो है शायर का, इंस्टेंट शायरी, कि कोई भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है तो मैं वैसे चुटकियों में शायरी बना देता हूँ। जैसे अभी ट्रेलर में देखा, जो ट्रेलर शुरुआत होती है ट्रेलर की, कि शाहजहां के शहर में मोहब्बत करने को तरसता है आज का यूथ, अब तेरे भाई ने एक जगह खोली है जिसे कहते हैं किसिंग बूथ। तो मैं इस मूवी में किसिंग बूथ चला रहा हूँ। तो अब सोचो कि एक लड़का किसिंग बूथ चला रहा है और पापड़ तो कितने बेलने पड़ेंगे, उसे मनाना पड़ेगा कि मैं नहीं करता हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, पेट पालने के लिए। ऑलरेडी थप्पड़ खा चुका हाँ, ऑन स्क्रीन किस वॉज लाइक नॉट दैट कम्फर्टेबल, बट या हिना जी, आपको मतलब ब्रीफ किया गया था, अरे बोलने देना, आइटम सॉन्ग डांस के लिए आपने अपना आईपैड डाला था, आप वापस पूछिए। ये जो आइटम सॉन्ग गाना था, आपको ब्रीफ किया गया था या अपने इफर्ट से अपना डाला था डांस? कोरियोग्राफर ने आपको ब्रीफ किया था? ऑब्वियसली हमारे कोरियोग्राफर थे खुशल जी, खुशल जी हैं जिन्होंने मेरा ये फोर्थ गाना कोरियोग्राफ किया है ओवरऑल इंडस्ट्रीज में। सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर, और एंड आई बिकॉज वी हैव बीन गुड रिलेशन एज अ फ्रेंड्स एंड ऑल, सो मेरा ट्यूनिंग एज अ कोरियोग्राफी बहुत अच्छे से बैठ चुका था, इतना टाइम नहीं लगा हमें काम करने में या कुछ भी करने में। सो इट आई गिव ऑल माय क्रेडिट ऑफ माय डांसिंग इज टू खुशल। फिल्म के गाने और देखा आप किसी लड़के के पीछे बताएंगे? जरूरी है वो बताना? सारे सवाल अभी, हाँ वही तो है, मेरा कैरेक्टर मैं नहीं रिवील कर सकती, वो आपको जाकर देखना ही पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज प्लीज आप सभी लोग व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा देखने जाइए, बिकॉज एंड प्लीज आपके ब्लेसिंग शावर्स इज वे इम्पोर्टेंट फॉर दिस मूवी, सो आई वुड वॉन्ट यू टू गो। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ट्विस्ट, लव, रोमांस, कॉमेडी सब मिक्स है, एंड स्पेशल परफॉर्मेंस बाय मी, एक्शन भी है, एक्शन भी, और मैंने भी एक्शन किया, तो मेरी कॉमेडी और जो मेरी चीजें अंदर वो जानने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। सो प्लीज प्लीज प्लीज, 20th जुलाई को रिलीज हो रही है, तो अरे वाह क्या बात है कि फर्स्ट फिल्म है, मौसम की तो सेकंड फिल्म है लेकिन स्वाति जी की फर्स्ट फिल्म है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अमृता का भी और राहुल का भी बहुत अच्छा काम है। फिल्म बनाना सोच के ही अपने आप में ये रहता है कि शुरुआत जो हम करते हैं सारी चीज़ें कैसे करते हैं, कोई कहाँ किस तरह से कैसे कैसे काम हुआ है, तो बनाने की चीज टीम जमाते, उसके बाद में फिर तो बहुत ही लास्ट तक बहुत कर पड़ता है, पता रहता है हम कैसे कैसे करें, वो ही सारी चीज़ होती है। फिल्म का नाम रखा है ओबामा लव ओसामा, तो ये ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति और ओसामा एक आतंकवादी, तो ये ख्याल कहाँ से है कि दोनों जन को एक, ये डायरेक्टर साहब बताएंगे क्या करना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारा जो करेक्टर हैं दोनों, उनके सरनेम है ये। आपको नहीं लगता इसके नाम में कुछ कंट्रोवर्सी होगी? नहीं, कंट्रोवर्सी वाली ऐसी बात कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपने ये जो आपने नाम रखा और पिक्चर पूरी रोमांटिक सी है जी, कहीं मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा, तो क्या सोच के आपने रखा था इस फिल्म का नाम? नहीं देखिए, मेरे इसमें क्रिश्चियन हीरोइन है और जो मुस्लिम इसमें हीरो है, तो उनको मैंने दोनों को मिक्स किया है। फिल्म के बारे में देखिए, फिल्म के अंदर रोमांस भी है, कॉमेडी भी है और एक्शन भी है, तीनों चीज़ों को हमने डाला इसके अंदर। तो पहले से स्टारकास्ट डिसाइड सिलेक्ट हो चुके थे, मतलब इनको ही लेना है और किसी को? हाँ, इनको ये डिसाइड किया। असल में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पर तो गाड़ी सदियों से चलाते आ रहे हैं लोग जी, जी। आदमी हर कोई आज चाहे हम बैटरी पर चलाएं, हर आदमी चेंज चाहता है, तो ऐसे ही कास्ट में मैंने भी ऐसे किया है, कुछ चेंज किया मैंने भी। आइटम सॉन्ग काफी धमाकेदार लग रहा है जी, तो आइटम सॉन्ग का एल्बम जब आने लगे जो एक्ट्रेस भी है इंद्रा पांचाल भी है, काफी धमाकेदार लग रही है, कुछ बता जाएगी तो कब चुना?
उनको असल में क्या है कि मेरी पहली फिल्म आई थी हम है तीन खराबाती, उसमें भी उन्होंने आइटम सॉन्ग किया था और इसमें भी उन्होंने आइटम सॉन्ग, तो हमारी एक ट्यूनिंग है कि इसमें एक नहीं उन्होंने दो गाने किए, एक पार्टी सॉन्ग भी उन्होंने किया है प्लस ये आइटम सॉन्ग भी उन्होंने किया, दो गाने किए इसमें इन्होंने। 20 जुलाई को उसको रिलीज कर रहे हैं हम लोग। फिल्म की शूटिंग हमने देखा जैसे गानों में आगरा का सीन दिखाया जा रहा है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आगरा में शूट करने का उत्तर प्रदेश के बारे? बहुत बेसिकली हम उत्तर प्रदेश से ही हैं भी जी जी। इसको मैंने एक नहीं उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में शूट किया है, आपके जी ग्रेटर नोएडा में शूट किया है, नोएडा में शूट किया है, इसको सोनीपत में शूट किया है, लवासा में शूट किया है, आगरा में शूट किया है। ऑल इंडिया लेवल पे करेंगे, जो हिंदी बेल्ट है वहाँ सब जगह हमारी टीम जाएगी। मैम आप बताइए, आपको मैम आप बताइए, आपको स्टोरी जब आपके पास आई तो आपने क्यों डिसाइड किया पिक्चर करनी है? ये स्टोरी भी बहुत अच्छी थी लगी थी, और हम सुधीश जी के साथ हम कई सालों से जुड़े हुए हैं और हमारी ट्यूनिंग अच्छी है। भाटी जी के साथ भी मुलाकात हुई, ये भी मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, तो मुझे लगा कि हमें एक टीम बना के काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट में काम करने का सोचा, क्योंकि फिल्म का नाम ही एकदम कैचिंग है, फिल्म के नाम से ही लगता है कि फिल्म की क्या होगा इसके अंदर, लोगों को सस्पेंस लगता है, लेकिन जब देखेंगे फिल्म तो इसमें कॉमेडी भी है और रोमांस भी है और एक्शन भी है। बारे में सोच के आएंगे जी, मैं आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं। ओबामा ओसामा का मतलब मैं आपको बता दूं, ये कहानी बेसिकली क्या है, एक राइटर है वहाँ से उत्तराखंड से रेवा बेस्ट, तो उन्होंने जब ये कहानी सुनाई थी शुरू में, कहानी मुझे सुनाई थी उन्होंने, तो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने दोनों का हिंदू मुस्लिम दोनों का इन्होंने मिक्स किया है, तो जो उन दोनों को ओबामा ओसामा का मतलब ये नहीं है कि खाली उन दोनों के बारे में आप बात करेंगे जो, लेकिन पब्लिसिटी तो इतनी हो चुकी है ना इन दोनों की। जी 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 हाँ जी जी। देखिए गाने का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं हम, ये गाना मैंने अब से करीबन एक साल पहले मेरे पास लिरिक्स आए थे इसके लिखने के लिए, लिखे आए थे तो मुझे जब पहली बार मेरे पास लिरिक्स आई, मेरी राइटर है इसके लिरिक्स राइटर श्वेता राज ने जब लिरिक्स सुनाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं म्यूजिक डायरेक्टर के पास गया, उनके साथ एक कंपोजिंग बनवाई इसकी, तो मुझे लगा जब ये इसकी जब फाइनल जब इसका निकल के आया टूटता, मुझे लगा गाना एक अच्छा नाम देके जाएगा फिल्म को। सबसे पहले तो आप लोगों को पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों कैसा रहा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत मेहनत की है सभी लोगों ने, बहुत ही निहायती गर्मी में शूट किया है हमने, एक जो होती है यूपी में आपको मालूम कितनी गर्मी पड़ती है, हमारे सेट पे मतलब डायरेक्टर से लेकर एक स्पॉट बॉय तक इवन एवरी एक्टर सभी लोगों का जो इसमें योगदान है वो काफ़ी मतलब एक ओवर द टॉप है, मतलब हर कोई हर काम कर रहा था वहाँ पर, मतलब एक पॉइंट ऑफ द टाइम मैंने और मौसम ने हमने सिक्योरिटी गार्ड भी बने थे, तो हमने सारे काम किए हैं फिल्म में, हमने स्क्रिप्ट में भी बहुत योगदान दिया है। हाँ, भाई बहुत अच्छे हैं इम्प्रोवाइजेशन में, हमने बैठ बैठ के सीन्स को और बेहतर किया है और अच्छा करने की कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा ह्यूमर रहेगा मूवी में उतनी ज़्यादा हंसी आएंगी, तो और सिचुएशंस हैं मूवी के अंदर छोटी छोटी सिचुएशन कॉमेडी है, मतलब हम लोगों ने अपनी तरफ से इतनी मेहनत करी है कि जैसे हम लोग आमतौर पर अपनी लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें जो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है वो हमने इन्वॉल्व करी है। क्या होता है कभी लिखावट होती है फिल्म की, वो बहुत अच्छी थी, एक स्टोरी जब मैं पहली बार जब मैंने वन लाइन सुनी थी फिल्म की, वैन ओबामा लव डोसामा एक लड़का है एक ऐसे ऐसे पूरी कहानी जब सुनी थी तो मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगी थी, जो जब हम लोग जुड़े फिल्म में तो जब सीन हमारे सामने आए तो हमने कहा इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्या होता है एक हलवाई क्या होता है जब अच्छी चीज़ बनाता है ना उसे लगता है कि इसमें ये और ऐड कर दूँ, किशमिश और ऐड कर दूँ और अच्छा हो जाएगा, ये ऐड कर दूँ और अच्छा हो जाएगा, तो एक अच्छी चीज़ में हर एक इंसान और अच्छा योगदान दे सकता है, तो कुछ ऑलरेडी चीज़ अच्छी थी फिर उसमें हमने मिर्च मसाले ऐड किए, इनके कैरेक्टर और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म के कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं, मौसम का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में एक निकल के आएगा, वो एक अलग किरदार है, जो गुस्सा हो जाता है तो नाना पाटेकर बन जाता है, भाई का कुछ ना कुछ फिल्म में खड़ा ही रहता है, कभी हाथ खड़ा कभी पैर खड़ा है मतलब समझ रहे हो, असल में करने सही जाते हैं ये लोग और हो गलत जाता है इनके साथ, और मूवी में एक ऐसा पार्ट है कि जो अभी तक शायद ट्रेलर में एक छोटा सा क्लिप था डॉक्टर साहब का जो मैं रिवील नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन वो एक ऐसा करेक्टर है जो कि पूरी मूवी का टर्निंग पॉइंट है सबसे ज्यादा। मोहित भाई इसमें एक भूत प्रमुख क्या चला
थैंक यू सो मच हमारी केमिस्ट्री निकल के आई है, दैट मीन्स अ लॉट टू अस. बाकी हम लोग को काम करने में बहुत मजा आया. आई वुड से कि यही ऑन स्क्रीन भी दिख रहा है. हमने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया मूवी में, मूवी से पहले हम होटल में हमने बहुत सारी बातचीत की, क्योंकि होता है ना कि बहुत कम टाइम मिलता है आपको शूट के वक्त, तो बहुत. और पहले दिन से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी कि वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो. कितने कंफर्टेबल थे. वी वर लाइक बडीज, एक फ्रेंड्स नहीं होते हैं. वी वर शूटिंग लाइक दैट कि शूट हुआ, अच्छा हाँ हाँ ठीक है डिस्कस करते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हाँ चलो रेडी. तो आवर डायरेक्टर वाज लाइक ही नेवर एक्चुअली केप्ट अ बाउंडेशन फॉर अस. हमें जैसे करना है सीन हम कर देते थे, उसके बाद वो बोलते थे अच्छा ये चेंज कर लो. तो इट वाज, वी वर प्रीटी कंफर्टेबल विद ईच अदर. वो बहुत अच्छी बात थी हमारे डायरेक्टर साहब की, थैंक्स टू देम कि उन्होंने हमें खुला छोड़ा हुआ था कि जो नेचुरली केमिस्ट्री निकल के आती है ना वो एक कहने पे करने के नहीं आती है. राइट राइट, सो दैट वाज ग्रेट. लवासा पे गाना फिल्माया गया है जी. राइट राइट, इट वाज अमेजिंग. वो गाना एक रोमांटिक सॉन्ग है जो हम दोनों के ऊपर फिल्माया गया है. लवासा ऑफ कोर्स अपने आप में बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी. और लवासा की वजह से हमारा गाना इतना सुंदर निकल के आया है. तो आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनेटली वेट फॉर दैट सॉन्ग टू लॉन्च. सो या इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरी एक्साइटमेंट तो आपको दिखी रही होगी अभी. तो हाँ, मैं अपने किरदार को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ. मैगी ओबामा आई एम प्लेइंग, हु इज़ द लीड ऑफ दिस मूवी अपोजिट अमन ओसामा. एंड ये दोनों को प्यार हो जाता है और उसके बाद कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. इस मूवी में एक्शन भी है एंड फॉर अ चेंज गर्ल्स ने एक्शन किया है. लाइक मैंने एक्चुअली अच्छे अच्छे मुस्टंडो को मारा है, तो मुझे बहुत मजा आया वो करने में. सो इट वॉज फन. इतना प्यारा बच्चा है देखो, खूबसूरत सा. ऑन स्क्रीन हुआ, ऑफ स्क्रीन एक्चुअली ना आई वॉज कमिटेड जब मूवी चल रही थी. ही वॉज एक्चुअली बैड लक ऑफ मी कि मैं कमिटेड था उस वक्त, और अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है. सो यू कैन थिंक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल्म में आपके लड़े एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है, राइट. कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो आप दोनों की शादी करो, तो ये शादी होगी आप दोनों? देखो अब अगर मैं आपको ये बता दूंगी हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, आप मूवी देखने क्यों जाओगे? ना शादी दिखाने के लिए हमें सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा. व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा पार्ट 2 रिटर्न्स. नहीं आपको पार्ट 1 में ही पता चल जाएगा कि हमारी शादी हुई कि नहीं हुई. अरे सर ये सवाल आपने गलत गलत पूछ लिया. कितनी लड़ाइयां हुई है पता है आपको हमारे बीच में इस किसिंग बूथ की वजह से? बिकॉज़ किसिंग बूथ जैसी चीज कौन चलाता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है. क्या प्रॉब्लम क्या है किसिंग बूथ में? इसका कैरेक्टर क्या प्रॉब्लम क्या है? ऑफ कोर्स यू आर अ मैं तो ना कर रहा हूं. अरे आई एम द ओनर ऑफ इट, आई एम नॉट डूइंग इट बाबा. हां तो ये किसिंग बूथ जैसा ये वाली बात समझाने के लिए इनका बिजनेस है जो ये लोगों को लेके आते हैं और किसिंग बूथ खोला हुआ है उसका पैसा चार्ज करते हैं. तो ऑफ कोर्स मैगी ओबामा को ये लगता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसा काम करता है. तो अगर असल में वो चालू हो जाए मेरा रिएक्शन तो वैसा होगा कि ये क्या कर रहे हो तुम. बुकिंग बुकिंग होगी अगले हफ्ते की टाइमिंग्स. ओह गॉड सीरियसली सीरियसली आई गेस कि एक्चुअली ये इंडिया में अभी तक नहीं है. और हाँ होना चाहिए ऐसा कुछ, और लीगली होना चाहिए. अच्छे यू कैन किस एनीवेयर, व्हाई वुड यू वांट अ किसिंग बूथ? नो यू कांट, देयर सो अलाउड नहीं है आउटसाइड किस करना. ऐसा है क्या? अलाउड नहीं है? आप बताइए. नहीं है ना? नहीं है, इल्लीगल है, इंडिया में इल्लीगल. किस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. हाँ झगड़ा कर सकते, किस नहीं कर सकते? ये कहाँ का लॉ? करने वाले करते हैं लेकिन अलाउड नहीं है इंडिया में. सो होना चाहिए. लड़ाई झगड़े तो सब करते हैं. ये बहुत आश्चर्य और अच्छा आइडिया है, बट झगड़ा करना अलाउड है. हाँ लेकिन वो जो किसिंग बूथ सर, किसिंग बूथ भी हम सर किसिंग बूथ भी हम खुले में नहीं करवा रहे हैं. प्रॉपर खूबसूरती देखी आपने. नहीं मर्यादा होती है सर, लेकिन आपको नहीं लगता झगड़ा करने में भी एक मर्यादा होनी चाहिए? वो तो उसमें तो लोग सड़क पे आ जाते हैं, वो तो सब सब होता है सब. ये वो तो एक झगड़े में भी मर्यादा होनी चाहिए. जुलाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मेहनत की हमने. सो